नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा एक की हमारे आदर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हनुमान। तो बच्चों, आज हम हनुमान के बारे में पढ़ेंगे कि हनुमान जी कौन थे। हनुमान को बजरंग बली और महाबली भी कहते हैं। तो बच्चों, हनुमान जी को हम बजरंग बली और महाबली भी कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर वज्र की तरह था, वज्र माने बहुत मजबूत। ये पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, और बच्चों उनको हम पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसको? हनुमान जी को। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। वायु देवता उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे, इसलिए वह हवा में भी उड़ सकते थे और अपना रूप भी बदल सकते थे। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने ही राम को सुग्रीव से मिलवाया था। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि वह अपनी वानर सेना को चारों तरफ भेजकर सीता की खोज करेंगे। जब अनेक वानर चारों तरफ जाने लगे, तो राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया, उन्हें अपनी अंगूठी दी और कहा कि जब वह सीता से मिलें तो उन्हें यह अंगूठी दिखा दें और बता दें कि वह शीघ्र ही उन्हें रावण के चंगुल से छुड़ा लेंगे। तो जब सभी वानर सीता जी की खोज में जाने लगे, तो बच्चों राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और उन्हें एक निशानी के रूप में अंगूठी दी और कहा कि जब भी आप सीता जी से मिलो तो उन्हें यह अंगूठी दिखा देना और कहना कि हम शीघ्र ही रावण को मारकर उन्हें वहां से छुड़ा लेंगे। हनुमान ने हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। सबने उनको शुभकामनाएं दी, देकर विदा किया। एक छलांग में हनुमान महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। तो बच्चों, जब वो वहां से सीता जी की खोज में निकले, तो जैसे ही उन्होंने एक छलांग लगाई, तो वे एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। किस पर्वत पर? महेंद्र पर्वत पर। ठीक कर लेते हैं, याद रखिएगा कि एक छलांग में हनुमान जी कहां जाकर खड़े हो गए। चलिए आगे चलते हैं। हनुमान ने सामने देखा तो अनंत सागर लहरा रहा था। जब वे महेंद्र पर्वत पर खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अनंत सागर लहरा रहा है। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते हुए चले जा रहे थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा। तो जब वो सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो बीच में एक पर्वत पड़ा जिसका नाम था मैनाक। तो उसने उनसे कहा कि आप यहाँ पर विश्राम कर लें, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर चलते नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि पल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। यानी जो नागों की माता थी सुरसा, वो समुद्र में रहती थी। उसने देखा कि हनुमान जी नाम के वानर जा रहे हैं, तो क्यों ना उनकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाए। तो वे मुंह खोल के उनकी तरफ दौड़ी उनको खाने के लिए। हनुमान ने बहुत विनय किया, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते चले गए। जब उनका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उनके मुंह में घूमकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घूमकर आ गया हूँ, अब जाने की अनुमति दें। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खड़े उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य पूरा करके वापस आओगे। हनुमान लंका की तरफ उड़ने लगे। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता की बहुत खोज की, वे उन्हें नहीं मिली। तब हनुमान को रावण का छोटा भाई विभीषण मिला।
उसने उन्हें बताया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है उन्होंने बंदी बनाकर? अशोक वाटिका में। हनुमान तुरंत उड़कर सीता के पास पहुंच गए और एक पेड़ पर चढ़कर उन्होंने राम की अंगूठी सीता के सामने गिरा दी, जिसे देखकर सीता का दुख जाता रहा। यानी जिस पेड़ के नीचे सीता जी थीं, उसी पेड़ पर हनुमान जी गए सूक्ष्म रूप लेकर, छोटा सा रूप लेकर, और उन्होंने अंगूठी सीता के सामने गिरा दी। उन अंगूठी को देखते ही उनका दुख कम हो गया। किसका? सीता जी का। सीता से मिलने के बाद हनुमान बगीचे के पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगा और अपनी भूख मिटाने लगा। तो बच्चों, जब वो सीता जी से मिल लिए, उसके बाद उन्हें भूख लगी, और भूख लगने मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया? पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, तो वे पेड़ों पर इधर से उधर कूदने लगे और फल खाने लगे। पहरेदारों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मार मार कर उन्हें भगा दिया। किसको? पहरेदारों को। यह समाचार सुनकर रावण क्रोध से तिलमिला उठा। बंदर को पकड़ने के लिए उसने सैनिकों का एक दल भेजा, परंतु राम लक्ष्मण और सूर्य की जय बोलते हुए हनुमान ने सबको मार भगाया। रावण को जब पता लगा, तब उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। अक्षय कुमार महारथी था। दोनों वीर भिड़ गए, यानी लड़ने लगे। अंत में एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ कर हनुमान ने अक्षय कुमार पर दे मारा। उसका रथ टूट गया और वह सारथी समेत मारा गया। पुत्र वध का समाचार पाकर रावण ने क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। यानी जब रावण को पता लगा कि मेरा पुत्र मारा गया है, तो उसको बहुत गुस्सा है। बच्चों, उसने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाया। वह वीर था। हनुमान मेघनाथ के साथ रावण के दरबार में चले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूंछ से एक ऊंचा आसन बना लिया और रावण के सामने बैठ गए। तो बच्चों, रावण ने जब अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा, तो हनुमान जी जानते थे ये जो मेघनाथ जी हैं बहुत वीर हैं, तो वे चुपचाप उनके साथ रावण के दरबार में पहुंच गए। और जब वो रावण के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी पूंछ से ही एक बहुत ऊंचा सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गए। तो बच्चों, यह देखकर रावण को बहुत क्रोध आया कि उसके सामने एक वानर उससे ऊंचे स्थान पर बैठ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो रावण ने क्या किया बच्चों? उसने कहा इस हनुमान को अपनी पूंछ पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान ने अपना रूप बहुत विशाल बना लिया, और जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई, तो उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। और अपनी पूंछ को घुमा घुमा कर लंका में हर तरफ आग ही आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलने लगी। फिर समुद्र में कूदकर उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई और सीता से आज्ञा लेकर वे वापस आ गए। हनुमान राम के पास आए और उन्हें लंका के विषय में सब कुछ बताया। राम ने वानरों की विशाल सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण और उसके सारे राक्षस को मार डाला और सीता को छुड़ा लिया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने हनुमान जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो कैसे थे और उनके क्या क्या नाम थे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? प्रभु की सेवा करना सच्चे भक्त की निशानी है। उसके लिए बल, शक्ति व बुद्धि का होना भी आवश्यक है। यानी प्रभु की सेवा करना, जो हनुमान जी थे वो राम के बहुत बड़े भक्त थे।